हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वायर को कट कैसे करें सही से और सोल्ड कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ने मुझे कमेंट किया है और बोला है कि हमारी जो वायर है सोल्ड नहीं हो रही है और उस पर जो सोल्डर है चढ़ता ही नहीं है, हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें। तो मैं आज आपको एक सही तरीका बताने वाला हूँ, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर मैनुअल वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है कट करना होगा वायर को, कि एक क्लीन कट। आप, मैं बता दूं, आप कैंची का इस्तेमाल मत कीजिए, आप ब्लेड या कटर का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे कटर का। और आपका कटर ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो ख़राब हो, क्योंकि अगर थ्रेड बाहर आ रहा होगा वायर से तो आपका वायर सोल्ड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि थ्रेड जो है वायर से बाहर नहीं आना चाहिए, तो हल्का सा भी बाहर नहीं, क्योंकि हल्का सा बाहर आता है तो उस थ्रेड की वजह से सोल्डर वायर पे चढ़ नहीं पाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कट लगाना है। मैं ब्लेड से ही लगाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा कटर नहीं होगा, तो हम ब्लेड से ही कट लगाएंगे सरफेस पे रख के। ये देखिए, एक क्लीन कट हमने लगा लिया है। तो अब इसको जो है वायर को हम स्ट्रिप करते हैं। ब्लेड से स्ट्रिप करने पर कई बार वायर जो है कट जाती है, तो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इससे वायर को कट कीजिए, स्ट्रिप कीजिए मतलब। ये देखिए, कोई भी वायर जो है इसमें कटी नहीं है, क्योंकि हमने सोल्डरिंग आयरन से किया है और डैमेज भी नहीं होता है। तो और केयरफुली जो है सारी वायर को अलग कर लीजिए। ये देखिए, कोई भी थ्रेड बाहर नहीं आ रहा है, हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है। और हमें वायर को सोल्ड करने के लिए पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सोल्ड करेंगे। तो आप एक अच्छे सोल्डर का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर इंडिया में तो मैं इसको काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेहतर है, आप ले सकते हैं, ये कभी कहीं भी मिल जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ, अब आपको कुछ करना नहीं है। अब सोल्डर में आपको डिप करके रखना है वायर को। मैं हर वीडियो में यही करता हूँ, लोग मेरी वीडियो को ध्यान से लगता है देखते नहीं है। तो आपको यही करना है कि आपको सोल्डर में डिप करके रखना है। और आपको मैं बता दूँ, इसके लिए आपको 25 वॉट का एक अच्छी क्वालिटी का आयरन इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए, हमने सारी वायर को सोल्ड कर लिया है इतना जल्दी, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, 25 वाट का अच्छी क्वालिटी का सोल्डरिंग आयरन, 50 रुपये वाला आयरन बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से हीट नहीं होता है। और कोई भी आयरन अगर अच्छी तरह से हीट नहीं हो रहा है तो वो इस पर जो है सोल्डर को नहीं चढ़ा पाएगा। उसका रीज़न ये है, इस वायर पर एक लेयर होती है, उसको पहले जलना होता है, फिर जो कॉपर के ऊपर सोल्डर चढ़ता है। तो अगर कम हीट हो रहा है तो ऊपर की लेयर जो है जलेगी ही नहीं और शोल्डर सही से चढ़ेगा ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि थ्रेड जो है बाहर नहीं आना चाहिए वायर से, बस यही इसका जो आप टिप समझ लीजिए कि थ्रेड जो है वायर से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब कोई भी ईयरफोन की वायर हो आसानी से सोल्ड कर सकते हैं। और एक और बात, जो ये ओल्ड, ये मतलब पुराना सोल्डर जो आपने इस्तेमाल कर लिया, इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमें फेंक देना है, मतलब हटा देना है, ठीक है। नया सोल्डर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब सोल्डर को हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर का जो फ्लक्स होता है
जो सोल्डर को स्मूथ करता है वो जल जाता है। ये जो धुआं निकलता है ये उसी फ्लक्स का धुआं होता है जलने का। तो आप अगर ध्यान से अगर अपने सोल्डरिंग पर देखें तो ये रस्टी हो जाता है और आप किसी भी सरफेस पे या किसी पैर पे भी चढ़ाएंगे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स जो है जल जाता है इसका। तो ओल्ड जो सोल्डर है आपको उससे हटा देना है और अपने आयरन को क्लीन रखिए हमेशा। देखिए टिप जो है कितनी क्लीन है, तो इसी तरह से टिप को क्लीन रखिए अगर आपको अच्छे से सोल्डर करना है। तो यही सारी चीज़ें जो ध्यान रखने लायक हैं। तो चलिए एक बार हम वायर को सोल्ड कर लेते हैं इस पर, इन पॉइंट्स पे। तो हमारी जो वायर है यहाँ है, मैं दो वायर सोल्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको किसी चीज़ से इसको ऐसे दबा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से अगर सोल्ड करना है तो आपको पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ये मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे सोल्ड करना है। ये देखिए एक मजबूत सोल्डरिंग हुई है बिल्कुल। अब ये आप कितना भी खींच लीजिए वायर टूट जाएगी पर सोल्डर नहीं हटेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगा पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।